हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका ओनली ज्योति चैनल में। आज मैं आपको बाजू की कटिंग करना सिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने कपड़े को चार फोल्ड में रखा है, ये दो फोल्ड, ये तीसरा फोल्ड, ये चौथा फोल्ड। कपड़े की बन साइड अपनी तरफ रखनी है, बन साइड से लंबाई के निशान लगाने हैं। कपड़े की चौड़ाई चेस्ट नाप के अनुसार रखनी है और उसमें प्लस मार्जिन चेस्ट है 32, 32 का चौथाई होगा 8 और उसमें प्लस 1.5 इंच मार्जिन, ठीक है। चेस्ट नाप के अनुसार कपड़े को रखोगे तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाएगा, इसमें हम कुछ भी काम कर सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं या कहीं पे जॉइंट लगा सकते हैं। बाजू की लंबाई है तैयार लंबाई 11, आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए और 1.5 इंच बॉटम फोल्ड के लिए करा है, वो 2 इंच करा है, 11 इंच लंबाई और 2 इंच मार्जिन। तो इस तरीके से सीधी लाइन के साथ मिला देंगे। ये बाजू की तैयार लंबाई है और ये मार्जिन की लंबाई है। अब बाजू का बॉटम है 10, 10 का हाफ 5 पे निशान लगाएंगे। ये तैयार बॉटम है और इसमें प्लस मार्जिन 1.5 इंच, ठीक है। अब ऊपर की साइड से लेंगे, यहाँ से बाजू की गोलाई यहाँ पे इस तरीके से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट भी गोलाई दे सकते हैं, और नहीं तो आपको गोलाई देनी नहीं आती तो इस तरीके से तिरछी लाइन मिला दें और इसके बाद फिर गोलाई दे दें। इसके बाद यहां से और यहां तक मिला दें। ठीक है, अब कर देंगे कटिंग। अब बाजू की कटिंग कर देंगे। सबसे पहले नीचे से कटिंग करेंगे बाजू की, दूसरा हाथ कटिंग करते समय ऐसे बराबर में होना चाहिए। अब इधर से गोलाई की कटिंग कर देंगे। बाजू की कटिंग हो गई है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 पल्ले हटा देंगे और फिर जैसे हम सूट में 1/2 इंच कम करते हैं फ्रंट की साइड, वैसे ही बाजू में भी 1/2 इंच की गोलाई देनी है। पहले यहाँ से सेंटर कट का निशान लगा लेंगे, ये इसका सेंटर कट है, और इसके बाद यहाँ से 1/2 इंच की गोलाई दे देंगे। ये देखिए बाजू की कटिंग हो गई है, ये आगे के पार्ट्स में गोलाई देनी है, और जब हम बाजू को अटैच करेंगे तो ये वाला हिस्सा आगे पार्ट्स में अटैच होगा और ये वाला पीछे पार्ट्स में। आज की वीडियो में बाजू की कटिंग करना बताया। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।